नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज की खास पेशकश विरासत की सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। मोहब्बत और जंग में, या यूं कहें कि मोहब्बत और सियासत में सब जायज होता है। सत्ता से मोहब्बत और विपक्षियों से अदावत में कोई भी हथकंडा सही होता है। इसीलिए राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नेताओं ने न कभी धनबल से परहेज किया, न बाहुबल से दूरी बनाई। माफिया और बाहुबलियों की गुनाहों की फहरिस्त चाहे जितनी लंबी हो, राजनीति ने कभी ऐसे लोगों से नजरें नहीं फेरी। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, राज्य दर राज्य, यही कहानी चलती आ रही है। चुनाव के मौके पर ऐसे बाहुबलियों और माननीयों के चेहरे अपने आप कैमरे और टीवी के सामने आने लगते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में कोर्ट की सक्रियता, सजा और सख्त हुए कानून के बाद कई पार्टियों ने बाहुबलियों से सीधे किनारा तो कर लिया, लेकिन चोर रास्ता निकालते हुए अपनी विरासत को बड़ी चालाकी से अपने परिवार वालों को इन बाहुबलियों ने सुपुर्द कर दिया। अपनी हनक और पावर की लत में डूबे इन बाहुबलियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सत्ता अपने कंधों पर लेती रही है। मुद्दा यह है कि आखिर कैसे बाहुबलियों से लेकर सत्ता के महारथियों को मिलती है ये सियासी विरासत और थाम लेते हैं मिल्कियत। आज हम इन्हीं चेहरों की बात करेंगे आपसे, जो बनते रहे हैं या बन चुके हैं सियासत के। अपने देश में चुनाव की चर्चा दो वजहों से होती है, पहला सीट, दूसरा नेता। लेकिन इसे दिलचस्प बनाते हैं बाहुबली, जिसके पीछे सत्ता और उसके कुछ खास समीकरण होते हैं। फिर जब लोकसभा चुनाव का दौर हो तो यूपी और बिहार के प्रत्याशियों पर सबकी निगाहें चली जाती हैं। यहाँ की सियासत में बाहुबलियों का रोल बहुत अहम है। ये बाहुबली कभी कभी इस हद तक सत्ता के समीकरण के केंद्र में आ जाते हैं कि ना तो सत्ता इन्हें छोड़ना चाहती है और ना ये सत्ता से अपनी नज़दीकियों से बच सकते हैं। कुछ ऐसे ही बाहुबलियों ने बिहार के चुनाव में इसी दांव को आजमाते हुए इस बार अपनी अपनी पत्नियों को टिकट दिलाया है। कौन है ये बाहुबली जिनकी पत्नियाँ अब अपने पतियों के फ्रंट पर संसद की सियासी पारी खेलने वाली हैं और किस तरह उनकी आड़ में अपनी सियासी जमीन को बचाने या मजबूत करने की जुगत इनके पति लगा रहे हैं। इस कड़ी का पहला चर्चित नाम है लवली आनंद का। बाहुबली सियासत की वो सुरमा जिनका सियासत में दखल बेसबब नहीं बल्कि जरूरत के चलते है, जिनकी मदद से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना सियासी दलों का सबसे पसंदीदा सगल रहा। अतीत में लगे संगीन आरोप, पुलिस थानों में दर्ज धाराएं भी इन बाहुबलियों की सियासत का रास्ता कभी रोक नहीं सकी है। हाँ, बहुत हल्ला मचने पर इन बाहुबलियों ने अपनी सियासत के लिए रास्ता भी अपने ही सहूलियत से चुना है। जनता की सेवा के नाम पर इन्होंने खुद भले ही चुनाव से किनारा किया हो या फिर पार्टी ने इन्हें ठिकाने लगाया हो, लेकिन विधानसभा या लोकसभा चुनाव का टिकट कभी भी इनके परिवार से बाहर किसी को देने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। आनंद मोहन बिहार की सियासत में बाहुबल से जुड़ा वो नाम जिसके दामन पर दाग एक जिले के डीएम की हत्या का लगा, सलाखों के पीछे सालों गुजारे मगर सियासत से नाता नहीं टूटा। दो बार लोकसभा की सरहद लांघने वाले आनंद मोहन को जब सजा मिली और वो जेल के सफर पर निकले तो उनकी विरासत को संभालने के सवाल ने उन्हें निराश नहीं किया, क्योंकि उनकी पत्नी लवली आनंद ने नुमाइंदगी का बीड़ा अपने कंधों पर ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि लवली आनंद ने अपने पति से पहले अपनी सियासी पारी 1994 में वैशाली की संसदीय सीट जीत कर की थी। बिहार विधानसभा में भी वो दो बार पहुंची, हालांकि बाद में पार्टियों के झंडे बदलते गए, लेकिन पद और पावर की परिपाटी नहीं बदली। पति की पारिवारिक सीट पर लवली आनंद ने इस बार जेडीयू से ताल ठोकी है।
लवली आनंद शिवहर संसदीय सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रही। लोकसभा चुनावों के ऐलान से ऐन पहले लवली आनंद ने आरजेडी से किनारा कर अपने पति की मदद से जेडीयू का दामन थाम लिया है। शिवहर सीट पर छठे चरण में चुनाव होना है। जहां तक बात इस सीट की है तो इस सीट पर उनके पति आनंद मोहन दो बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1996 फिर उसके बाद 1998 ये वो साल है जिसमें लवली आनंद के पति आनंद मोहन लोकसभा सीट शिवहर से सांसद चुने गए। इसके बाद हुए चुनाव में वो शामिल हो पाते उन्हें सिवान जिले में डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे जाना पड़ा, जहां 16 साल तक वो जेल में रहे। पिछले साल नीतीश सरकार की मेहरबानी से वो जेल से बाहर निकल कर आए, तब नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर खूब हल्ला भी मचा। हालांकि तब आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार में आनंद मोहन का मुद्दा थम गया, लेकिन गठबंधन वाली सरकार जाते ही लोकसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन ने नीतीश का हाथ पकड़कर आरजेडी को भी चौंका दिया। लवली आनंद इससे पहले भी संसदीय सीट पर अपनी दावेदारी आजमा चुकी है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में लवली आनंद ने समाजवादी पार्टी के झंडे के तले इस सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश की, मगर मोदी लहर के आगे लवली आनंद को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो केवल इन चुनावों में महज 46,000 वोट ही पा सकी। बहरहाल 2024 चुनाव में बिहार की इस हॉट सीट पर सभी चुनाव पंडितों की निगाह लगी है। क्या अपने पति की विरासत को लवली आनंद लोकसभा तक ले जा पाएंगी, इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार तो करना ही होगा। इलेक्शन डेस्क, TV27 न्यूज। आपको वेब सीरीज महारानी याद होगी, साथ ही याद होगी रानी भारती, जिसने घर के आंगन से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का सफर न केवल तय किया बल्कि अपने पति की सियासत के विपरीत एक नई सियासत गढ़ी। लेकिन हर भारतीय को ऐसा कर पाने का मौका मिले ये जरूरी नहीं है। बात करते हैं पूर्णिया से। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती की, तो ये अपने बाहुबली पति की सियासत को न केवल आगे बढ़ाने के जुगाड़ लगा रही हैं बल्कि सियासत के तयशुदा पैमानों पर चलते हुए इसे बखूबी अंजाम तक पहुंचा रही हैं। बीमा भारती विधानसभा की चौखट को लांघकर अब संसद की सीमा में एंट्री लेने की तैयारी कर रही हैं। बिहार में बाहुबलियों की सियासत की बात की जाए तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। बिहार की सियासी पहचान अगर कहा जाए तो सच में इन बाहुबलियों के दम पर ही देश में निर्भर है। लेकिन अगर आप बिहार में जाएंगे, बिहार के किसी भी कोने में जाएंगे, तो आपको इन बाहुबलियों का कोई एक परिवार या तो विधानसभा या लोकसभा में नुमाइंदगी करता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन इन बाहुबलियों के रुतबे और कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी कभी तो ये बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में भी गुरेज नहीं करते। सियासत में कहा जाता है कि दामन पर जितने दाग लगे होंगे दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। राजनीति और उसके अपराधीकरण पर बहस करने वालों की चिंता का सबब यही है। बहस, विवाद और फिक्र के बीच सच यही है कि सियासत में ना तो बाहुबलियों की एंट्री थमी है, ना उनके बिना चुनाव जीतने की हसरत, बल्कि विवादों के हल्ला बोल के बाद पार्टियों ने परिवार पर कृपा लुटाने का काम किया है। बीमा भारती उसी कड़ा काम का एक नाम है, जो आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। साल 2000 में रुपौली विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़कर अपने करियर की शुरुआत करने वाली बीमा भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
विवादों से भरे अपने सियासी करियर में उन्होंने बिहार मंत्रिमंडल में गन्ना उद्योग विभाग भी संभाला है। अपने सियासी सफर में वो तकरीबन बिहार की हर पार्टी में रह चुकी हैं। फरवरी 2005 के चुनाव में वो लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर सिंह से सीट हार गई, लेकिन अगले अक्टूबर के चुनाव में वो सीट वापस जीतने में सफल रही। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल हो गई। 2010 में और फिर 2015 में जेडीयू के टिकट पर फिर से चुनी गई। हालांकि 2024 के आम चुनाव से पहले जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी में शामिल हो गई है। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट भले ही दे दिया हो, लेकिन निगाहें इस सीट पर पप्पू यादव ने गड़ा रखी थी। पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय अपनी पार्टी का भी कर दिया था। पप्पू यादव को लगा कि अपने राजनीतिक सफर को वो सियासी उड़ान देंगे, लेकिन आरजेडी ने सीट पर बीमा भारती को टिकट देकर सारे समीकरण बदल दिए। फिलहाल पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा, ये वक्त की गोद में छिपा है। बीमा भारती की सियासत में एक पहचान उनके पति से भी जुड़ती है, जिनकी पहचान एक बाहुबली की है। बीमा अवधेश मंडल की पत्नी है, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। 2015 में तो बीमा भारती पर अपने पति को जेल से भगाने का आरोप भी लग चुका है। बीमा इसके अलावा 2018 में अपने बेटे की मौत और 2019 में अपने दूसरे बेटे की पिटाई की वजह से भी सुर्खियों में रह चुकी है। अब एक बार फिर अपनी संसदीय पारी के कारण उनकी चर्चा हो रही है। पूर्णिया की सीट पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भले ही आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया हो, लेकिन क्या पप्पू यादव इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ देंगे और गठबंधन के लिए जीत का राह आसान करेंगे, ये वक्त की बदलती करवट को देखने के बाद ही समझ आएगा। वैसे सत्ता और हनक बनाए रखने के लिए वारिस चुनने की सहूलियत केवल बाहुबलियों को ही नहीं मिली है, बल्कि दामन पर लगे दाग या किसी नाटकीय घटनाक्रम में वारिस चुनने की खोज के दौरान पत्नियों की किस्मत का ताला खुलता रहा है। कभी चारा घोटाले के आरोपों में जेल जाने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम का ताज सौंप दिया था। राबड़ी देवी कि बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी न केवल सियासत के लिए एक चौंकाने वाली घटना रही, बल्कि एक ऐसी सियासी नज़ीर भी बन गई जिसने कई सियासी तिकड़मों या समीकरणों में उलझे नेताओं को एक झटके में तारे दिखा दिए। राबड़ी देवी, बिहार की सियासत का वो चेहरा जो अचानक ही सियासत की राष्ट्रीय फलक पर छा गया। दौर था 1997। बिहार में चारा घोटाले की चपेट में आए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की सियासी कश्ती डूबती जान पड़ी। घोटाले की भंवर में सलाखों के पीछे पहुंचने के साथ साथ का संकट सत्ता की बलि लेने पर उतारू हुआ तो लालू भी लाजवाब नजर आए। आंदोलन की गोद से निकले सियासत का चरित्र बखूबी समझ चुके थे। सत्ता पर आए अचानक इस संकट में सरकार की अगुवाई का रास्ता वापस उनके घर की तरफ मुड़ गया और फिर राबड़ी देवी के नाम पर मुहर लग गई। अब तक अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त राबड़ी देवी सियासत के शीर्ष पर बैठे बैठे पहुंच गई। अब सियासत को सुनती और देखती आ रही राबड़ी देवी को सियासत में उतरकर सूबे के मुखिया की जिम्मेदारी उठानी थी। यकीनन राबड़ी इसके लिए तैयार नहीं थी।
ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं था कि कमान खुद लालू यादव के हाथ में रहने वाली थी और राबड़ी देवी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से ज्यादा मुखौटे के तौर पर काम करती। दिलचस्प बात ये है कि बिना किसी सियासी तजुर्बे, वक्त और हालात की मेहरबानी से राबड़ी देवी ने बतौर मुख्यमंत्री 3 बार शपथ ली। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर 3 कार्यकाल में राबड़ी देवी का पहला कार्यकाल महज 2 साल का रहा, जबकि दूसरा और तीसरा कार्यकाल 5 साल का रहा। राबड़ी देवी ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री 1997 से 1999 तक अपनी पारी खेली। इसके बाद 1999 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी की शुरुआत की, मगर ये लंबी नहीं चल सकी। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसके बाद 2000 में हुए चुनाव में एक बार आरजेडी सत्ता में आई तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। पहली बार 1997 से 1999, दूसरी बार 1999 से 2000, तीसरी बार 2000 से 2005। अपने सियासी सफर में राबड़ी देवी 3 बार विधायक रह चुकी है, जबकि 1 बार विधान परिषद की सदस्य। 2014 में सारण लोकसभा सीट पर उन्हें दिग्गज बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी से शिकस्त भी खानी पड़ी। राबड़ी देवी सक्रिय सियासत का अब हिस्सा है। समय समय पर विरोधियों को लेकर आते उनके बयान बताते हैं कि असमय मिली विरासत ने उन्हें सियासत का मंझा खिलाड़ी बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV27 न्यूज। बिहार की सियासत में 2 और नाम हैं जिनका सीधा संबंध अलग अलग इलाकों के बाहुबलियों से है और दोनों खुद न केवल चुनावी समर में उतर कर अपने पति की विरासत की सियासत को नया नाम देने की तैयारी में है, बल्कि बाहुबलियों की परंपरा में एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश भी करती दिख रही हैं। बिहार में चुनावों की बात हो और बाहुबलियों का जिक्र किया जाए तो सिवान सीट की बात के बिना इस मसले का मुकम्मल होना नामुमकिन है और इस बार इसे दिलचस्प बना रही हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली विजय लक्ष्मी देवी, जो बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। बड़ी बात यह है कि विजय लक्ष्मी देवी के खाते में ये टिकट एक दूसरे बाहुबली की पत्नी और मौजूदा सांसद का टिकट काट कर आया है। रमेश सिंह कुशवाहा का ताल्लुक CPIML से रहा है और शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं। कुशवाहा जेल भी जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक है। इस बार लोकसभा चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को JDU से टिकट दिलवा दिया। सिवान लोकसभा सीट से इस वक्त कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड सांसद हैं, जो खुद बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी हैं। नीतीश कुमार ने इस बार उनका टिकट काट कर विजय लक्ष्मी देवी को सिवान से उम्मीदवार बनाया है। बिहार में मुंगेर सीट पर एक और बाहुबली की पत्नी ने ताल ठोकी है। इस बार लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी RJD के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि के नेता अशोक महतो की पत्नी हैं। 2023 में अशोक महतो 17 साल जेल काटने के बाद जेल से रिहा हुआ था। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में अशोक महतो 17 सालों से जेल में बंद था और पिछले साल ही वो रिहा हुआ है।
दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव लड़ नहीं सकता और इसी कारण से उसने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी को उतार दिया है। सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि इसी खरमास के दौरान उसने अनीता देवी से शादी की। कहा जाता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आश्वासन मिलने के बाद ही अशोक ने आनंद फानंद में अनीता से शादी रचाई। अनीता का मुकाबला जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे लोकसभा चुनाव के दौर में सियासत की ऐसी ही एक नई किस्सागोई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।